हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है हमारे एक्यूफर पे। सो क्वेश्चन है, अ ट्यूबवेल ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर फुली पेनिट्रेट अ हॉरिजॉन्टल होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक कन्फाइंड एक्यूफर। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, कन्फाइंड एक्यूफर दिया है ऑलरेडी। तो कन्फाइंड एक्यूफर में हम लोग को उसकी कन्फाइंड डेप्थ तो भी देखना पड़ेगी ऑफ ए इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड। द एक्यूफर इज ऑफ 30 मीटर यूनिफॉर्म थिकनेस। यहाँ पर 30 मीटर का यूनिफॉर्म थिकनेस एक्यूफर की दी हुई है ऑलरेडी। अ स्टेडी पंपिंग एट अ रेट ऑफ 40 लीटर्स पर सेकेंड फ्रॉम द वेल फॉर अ लॉन्ग टाइम रिजल्ट इन अ स्टेडी ड्रॉ डाउन ऑफ 4 मीटर एट अ वेल फेज। द सब सरफेस फ्लो टू द वेल ड्यू टू द पंपिंग इज स्टेडी हॉरिजॉन्टल एंड डार्सियन एंड द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द वेल इज 245 मीटर। यहाँ पर रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया, दैट इज 245 मीटर। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी पूछी है हमसे, दैट इज के। हमसे उसकी परमेबिलिटी पूछी, दैट इज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द एक्यूफर, दैट इज इन मीटर पर डे, राउंड ऑफ टू इंटीजर। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहला दिया है हमारे पास दैट इज ट्यूबवेल की, ट्यूबवेल ऑफ 20 सेंटीमीटर डायामीटर। तो हमारे पास ट्यूबवेल की डायामीटर दी है, दैट इज R1 हम निकालेंगे तो यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया, कैपिटल डी दिया है। कैपिटल डी हमारे पास कितना दिया, 30 सेंटीमीटर दिया है। और क्यू दिया है, कैपिटल क्यू, दैट इज 40 लीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, दैट इज हम यदि इसकी बात करें एक ट्यूबवेल की, तो ये हमारा जनरली डायग्राम में बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कोन ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर कोन ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे हम लोग, तो जनरली कोन ऑफ डिप्रेशन बना हमारा, ये हमारा कितना दिया है, दैट इज एच, स्मॉल एच होता है, ये हमारा कैपिटल एच होता है आफ्टर पंपिंग आउट। तो पंप आउट करने के बाद हमारा जो वाटर लेवल है वो क्या डिक्रीज हो गया है, और वो हमारा बेसिकली कितना डिक्रीज हुआ है, कैपिटल एच माइनस एच स्मॉल एच की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 4 मीटर की। यहाँ पर ड्रॉ डाउन की वैल्यू दी हुई है। ड्रॉ डाउन बेसिकली क्या होता है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से, और एस ही बेसिकली क्या होता है, कैपिटल एच माइनस एच स्मॉल एच होता है, दैट इज 4 मीटर। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में 4 मीटर दिया हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पर हमारा आर दिया हुआ है, आर हमारा कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर हमारा 245 दिया हुआ है, दैट इज 245 मीटर। बेसिकली हमारा क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, दैट इज रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस दिया हुआ है वेल का। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा डिस्चार्ज, बेसिकली हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने कन्फाइंड एक्यूफर में पढ़ा था, दैट इज 2π × kd एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइडेड बाई 2.303 लॉग बेस 10 कैपिटल आर स्मॉल आर। और जनरली हमारा क्यू दिया है, दैट इज 40 लीटर पर सेकेंड, 40 × 10⁻³ ये हमारा मीटर क्यूब पर सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ऑलरेडी सारी यूनिट्स मीटर में ही है। 2 × π × k बेसिकली हमें पूछा गया है, दैट इज के मल्टीप्लाइड बाई 30 × 4 स्मॉल एच। डी हमारा क्या है, कैपिटल डी 30 है, और एच माइनस एच कितना हमारा 4 है, 4 मीटर है। यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 2.303 × log base 10, दैट इज लॉग बेस 10 कैपिटल आर, दैट इज 245 दिया हुआ है ऑलरेडी, 245 मीटर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, दैट इज 10 सेंटीमीटर दी है। तो ये बेसिकली मीटर में, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 0.1 मीटर। तो यहां पर हमारा ऑलरेडी के बेसिकली कितना निकल के आएगा, के बेसिकली आएगा दैट इज 4.14 × 10⁻⁴ m³/s। यहां पर के निकल के आएगा। और यदि हम लोग बात करते हैं के की मीटर पर डे के हिसाब से, तो मीटर पर डे में यदि हमें इसे कैलकुलेट करना है सेकेंड में बेसिकली, तो मीटर पर डे में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये बेसिकली 35 पॉइंट, बेसिकली ये हमारा 35.76, यदि देखें इसको तो 35.76 आएगा मीटर पर डे में। और इसको एग्जैक्ट वैल्यू में यदि लिखना है हमें राउंड ऑफ में, तो राउंड ऑफ में बेसिकली इसको क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि राउंड ऑफ में हमारी कितनी वैल्यू है, तो एग्जैक्ट 35.7 को हम लोग 36 मीटर पर डे में भी लिख सकते हैं। दैट इज हमारा, ये हमारा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है बेसिकली, ये हमारी परमेबिलिटी बेसिकली उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो ये हम बेसिकली ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एक्यूफर में, कन्फाइंड एक्यूफर में, दैट इज थीम्स थ्योरी और ड्यूपिट्स थ्योरी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम लोग थीम्स थ्योरी कहाँ अप्लाई करेंगे, और ड्यूपिट्स थ्योरी पर्टिकुलरली थीम्स ने हमारे लिए कन्फाइंड और अनकन्फाइंड के लिए दिया हुआ है पर्टिकुलर फॉर्मूला, ऐसे ही ड्यूपिट्स ने हमारा
बेसिकली फॉर्मूला जो दिया है वो कन्फाइंड और अनकन्फाइंड दोनों के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग कन्फाइंड इक्विफर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और ऑलरेडी हम लोग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल. थैंक यू वेरी मच.